ये वाला कट लग गया यार, नया टायर है अभी, ऐसे ऐसे लगा है, अगर ये ऐसे लगता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय भीम जय भारत, क्या हाल चाल, बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे। और हम आज है करनूल से 40 किलोमीटर आगे की राजस्थानी होटल है, देखो ये पूरा फुल भरा हुआ है इधर। ये पहला ही होटल है करनूल पार करने के बाद, 16 नंबर से एग्जिट होने के बाद ये सीधा डायरेक्ट बेंगलोर जाता है ये हाईवे। और इसी हाईवे पे करनूल एक जगह है, करनूल से हम 40 किलोमीटर आगे हैं और वहाँ रात को हम राजस्थानी ढाबा है, यहाँ पर हम सोए थे। और यहाँ से अब हम सवेरे के बज चुके 10 मिनट बाकी है 7 बजने में, तो अब हम यहाँ से निकलेंगे। पहले हम लोग फ्रेश हो जाए, फ्रेश रेश होकर ब्रश व्रुश करके थोड़ा नाश्ता करेंगे यहीं पास में, बहुत अच्छा नाश्ता मिलता है, मतलब इडली डोसा। तो अभी चलते हैं, पहले फ्रेश होते हैं फिर बाद में जब वहाँ पर नाश्ता करने चलते हैं। चलो दोस्तों, फ्रेश व्रेश हो गए रेडी हो गए हैं, अब जा रहे हैं, सिर्फ देखते हैं वो नाश्ते। यहाँ पर क्या है ना, सुबह शायद 7 बज रहे हैं, उस दिन हम लोग 8 बजे के आसपास उठे थे। देखते हैं हाईवे पे चल के अगर वो नाश्ता रेडी होगा तो लोग नाश्ता करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह का तो पता ही है साउथ में खाना ओनली, सुबह का नाश्ता बेस्ट इडली डोसा। चलिए चल। A few moments later. अभी वो लेट आई है, वो देखो अभी सामने है ना, वो अभी वो नाश्ता वाला अभी आया है, वो जो दिख रहा है ना पीछे, उस पर अभी नाश्ता मिलेगा, लेकिन वो अभी आया है तो उसको टाइम लगेगा। तो अभी आगे चलते हैं, आगे और कहीं रोक के खाएंगे, ठीक है। और देखो इधर सूर्य देव भी कितने फर्स्ट क्लास, इधर देखो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है पीछे का, आ रहा है दिख रहा है। चलो तो चलते हैं अभी, ठीक है, यहाँ से चाय पीते हैं, चाय पी के निकलते हैं। ओके चलो, पूरा हम भैया ये आ गई हमारी राजस्थान वालों की चाय। चाय पीते हैं और निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत हो गया। अभी हम तकरीबन वहाँ से 20-25 किलोमीटर आ गए हैं, क्योंकि अभी गाड़ी में ज़्यादा भारी लोड है, इसके लिए गाड़ी और रनिंग नहीं बना रही है, हर चढ़ाई पे गियर ले रही है। तो अभी देखो ये ट्रैक्टरों में यार बड़ी दशा, ड्राइवर की भी और साथ में गाड़ी की भी, क्योंकि पीछे सिंगल टायर है, रोलिंग ज़्यादा बनाता नहीं है, रोलिंग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखो ये नाश्ते वाले, मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ यार, अभी काफी जगह मिला है लेकिन जगह नहीं थी, गाड़ी अपनी बड़ी है ना बाबा।
चलो चले अभी थोड़ा और आगे देखते हैं, कहीं जहाँ पार्किंग बड़ी होगी तो वहाँ रोकेंगे, क्योंकि पीछे भी एक गाड़ी आ रही है। मैंने उसको ओवरटेक कर दिया, मैं उसे पीछे चला था लेकिन उसको ओवरटेक कर दिया, क्योंकि मेरे पास भैया महिंद्रा है। चलो ये देखो अन्ना जी क्या कर रहे हैं। अन्ना जी बस वाले भैया ज्यादा परेशान है, ये मारा हमने इनको ओवरटेक। सामने का व्यू देखो दोस्तों, पहाड़ों के बीच में चलने का मजा ही कुछ और है। या ऊपर नीला आसमान, बीच में पर्वत और नीचे हम जो चढ़ रहे हैं अब दम लगा के ऐसा। अब इस पे यार सारी देखना, इस चढ़ाई में सारे गिर ले जाएगी। अब यहाँ से लेकर बेंगलोर तक इतनी चढ़ाइयाँ है ना कि गाड़ी की भी हालत खराब हो जाती है। अबे यहीं से क्यों दबाने लग गया, ये देख, इन्हें यही अंदाजा नहीं है कि मुझे कहाँ से गाड़ी घुमानी, कितने आगे जगह है, लेकिन उन्होंने यहीं से दबा दिया। खुद का पिकअप तो हाई नहीं हुआ, मेरा ही पिकअप डाउन कर दिया। ये फुल पिकअप में है गाड़ी, मेरा 3 नंबर गियर लगवा दिया भैया ने। हम लोग, मैं रुका हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छी जगह है। देखो इधर से चढ़ाई है, इधर से डाउनिंग है कि नहीं। तो अभी क्या है, हम लोग यहाँ नाश्ता करेंगे, वो गाड़ी भी आ रही है पीछे। अन्ना जी क्या क्या है आपके पास खाने के लिए? मसाला राइस, इडली है, वड़ा है, डोसा है। तो पहले इडली दो और वड़ा दो, फिर राइस खाएंगे हल्का। आएगा किधर रह गया दूसरा वाला, जाएगा जब तक आएगा, जब तक अपन बैठते हैं। इधर टेबल पे बैठने का सही है ना, बस स्टैंड पे बना के रखते हैं इधर साउथ में, ये बहुत अच्छी चीज़ है। खाने पीने की व्यवस्था पूरी रहती है। ये वड़ा, इडली, चटनी और ये नारियल चटनी। ये नारियल चटनी इधर साउथ का सबसे बेस्ट है, नारियल चटनी तो खाने का। ये फेवरेट रहता है इधर का डोसा, तो वड़ा, इधर लोग ये खाते ही खाते हैं। खत्म, चावल, इधर का चावल बहुत बेस्ट बनाते हैं लोग। ये तो सेल्फ सर्विस करना पड़ता है। लाओ इधर चावल डालना, राइस 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 ये वाला राइस, दूसरा कौन सा राइस? लेमन राइस, लेमन राइस। एक प्लेट हाफ प्लेट, हाफ प्लेट ये हो गया हाफ प्लेट। चला फोन लगा कृष्ण ला, मुझे मना क्या सा पांडु मन लाल चुका। मेरा नया टायर था, नए टायर में कट लग गया, ये रहा। ये कई बार ना ऐसे ये जो कट लग जाता है ना, ये देख रहे हो, ये सब, ये क्या है, जब हम गाड़ी जगह कम होने पर गाड़ी घुमा देते हैं ना, कम जगह होने पर, तो उस जगह पर ये नुकसान आता है। अभी क्या है, ट्रैक्टरों में जगह कम थी वहाँ पर, तो और गाड़ियाँ भी खड़ी थी पहले से, तो मैंने उसको वहीं पर घुमाने की कोशिश करी और वजन ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ये रगड़ खा गया वहाँ पर। कभी नहीं घुमा, अगर नहीं घुमाता वहाँ पर तो भी परेशानी, फिर गाड़ी बैक नहीं होती। ये पन्नी बेचारी कैसे फंस, कब की फंसी है, अटकी है। चेक कर लिया टायर, अरे 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 देखिए देखिए, वो तो करती है। खोलो, ये ट्रैक्टर, ट्रैक्टर बेल्ट सही है सारी।
भाइयों जिसको ट्रैक्टर लेना हो तो कांटेक्ट करें महिंद्रा शोरूम में, हमसे नहीं। तो एक चीज और बताऊं आप लोग, साउथ में आने का सबसे बेस्ट चीज क्या लगती है? इधर साउथ में आने के बाद ना इधर हरियाली इतनी है, इतनी ग्रीननेस है, देखो चारों तरफ मस्त रहता है। जिधर यहाँ से लेके पूरे केरला तक चले जाओ, हर जगह पूरा हर दोनों तरफ ग्रीननेस, मतलब हर तरफ दोनों तरफ हरियाली हरियाली देख के ना मन अच्छा हो जाता है इधर। तो अभी इधर चल रही है हवा बहुत ही, इसलिए मैंने टोपा लगा रखा है। आप लोग कह रहे हो टोपा लगा रखा है, जैकेट पहन के, ये तो हल्की जैकेट है, खाली हवा रोकती है, बाकी इतनी ठंड नहीं रोकती है, सस्ता माल है। तो अभी चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं, आधा घंटा भी हो गया हमारा और अब रुकेंगे सीधा 3 घंटे के बाद, ठीक है? चलो दोस्तों। अभी हम लोग अनंतापुर पार करके मरूरू टोल प्लाजा पे आ गए हैं। अब यहाँ पर 100 किलोमीटर से ज़्यादा आ गया, ट्रैक्टर लोड है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं पहले टायर देख लें, गर्म बहुत हो गए होंगे, तो गर्म होने के कारण दिक्कत आ जाती है। तो अभी चलते हैं, ये भाई साहब डीजल भी नापेंगे, पीछे वाले टायर बहुत गर्म हो जाते हैं भारी लोड में। गाड़ी बंद कर दी, टकाटक बोल रहे हैं लेकिन देखो पीछे वाले एकदम गर्म हो जाते हैं। ये देखो ये तो ठंडा है, खैर ब्रेक ही नहीं थे। ये देखो ये कल ना वो ये वाला कट लग गया है यार, नया टायर है अभी, ये देखो पूरा नया टायर है। ये हम लोग का टेलर है ना, ये सिंगल टायर की वजह से ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये देखो ये भाई साहब के भी गर्म हो गए। हाँ हाँ अभी थोड़ा सा, अभी क्या है ना थोड़ी गर्मी नहीं है, नहीं तो गर्मी में ना तो 100 किलोमीटर चलाना भी भारी पड़ जाता ट्रैक्टरों में। ओए शिट, ओए देखो बच गया ना टायर पंचर होते होते, आई शाबाश। अगर ये ऐसे ऐसे लगा है, अगर ये ऐसे लगता तो टायर की नाश कर देता, देखो कितना बेकार है ये। चलो किस्मत अच्छी है, नापो की बोलती थे, 6 अंगुल पट्टी नहीं बोलती तुम्हारी। पहुंच गया नहीं, क्या है देख, यूरा देख ये रहा है। 4 अंगुल तेल है, कितना होगा, 50 लीटर? 50 लीटर चलने वाला है, तो इनका अभी डीजल चल जाएगा पंप तक, तो चलते हैं, क्योंकि हम लोग को ऐसे ही नापना होता है यार, हम लोग मीटर से नहीं चला पाते। हाँ चलो चलो पंप पे चलेंगे, आधा घंटा तो हो गया सीधा। अभी पंप से पहले 2 बॉर्डर भी पड़ेंगे ना, आंध्र प्रदेश का और कर्नाटका का। चलो चलते हैं मेरी जान। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं आंध्रा बॉर्डर पार करके, अभी हम हैं एक राजस्थानी ढाबे पे। आंध्रा बॉर्डर पार करके करीबन
15-16 किलोमीटर आगे है ये ढाबा। तो अब यहाँ हम रात को शाम तक रुकेंगे, क्योंकि रात को नो एंट्री पार करेंगे बेंगलोर की, और बेंगलोर पार करने के बाद हम सेलम पहुँचेंगे कल, क्योंकि बेंगलोर अभी क्या है दिन में हम पार कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्रैक्टर लोड है, हैवी लोड हो जाता है, तो उसके चक्कर में दिन में अगर पार करेंगे तो टाइम हो जाएगा शाम को 4 बजे, फिर नो एंट्री लग जाएगी। तो अभी चलते हैं, पहले खाना खाते हैं। दोस्तों ये हमारा रायता, ये रोटी और प्याज, भाई साहब घी लाए हैं बढ़िया मज़ेदार। तो अभी रायते के साथ शुरू करते हैं। इसके साथ बाजरे की रोटी होती है ना, मजा आया हमें, दो दो बाजरे की रोटी। दोस्तों दोपहर का खाना हो गया है, अभी हम आ गए गाड़ी में, थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर चलेंगे यहाँ से 80-85 किलोमीटर आगे ढाबा है, वहाँ रुकेंगे। पहले तो डीजल लेंगे बॉर्डर पार करके, कर्नाटक का बॉर्डर पार करके बागापल्ली में डीजल लेंगे, और फिर वहाँ से चलेंगे, क्योंकि रुकना अब कहीं ज़्यादा चल नहीं सकते दिन में, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नो एंट्री है बेंगलोर की। तो चलो पहले आराम करते हैं फिर चलेंगे, ठीक है। दोस्तों हम आ गए हैं कर्नाटक में, और बागेपल्ली जहाँ हमने पंप अपना बताया था वहाँ आ गया हूँ मैं, बस जस्ट अब पहुँचने ही वाले हैं। मैं आगे से यू टर्न करके वापसी हैदराबाद की तरफ घूम गया हूँ, मेरा ये जो पेट्रोल पंप है लेफ्ट साइड में है, तो अभी मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ आगे, वो भाई आ रहा है उसको भी बोल देता हूँ यू टर्न मार ला, ये आ रहा है। घुमाए लिया। हाँ ये आया हमारा 200 लीटर तेल। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं बॉर्डर पे, बॉर्डर से ये राजस्थान ढाबा तकरीबन 10-12 किलोमीटर पहले पड़ता है, तो हम यहाँ पर हैं। तो अब यहाँ से रात को निकलेंगे हम 2 बजे। ये आ गया हमारा आज का खाना, ये हमने इसमें हल्दी मिलाई है, क्योंकि हल्दी सही रहती है। ये भाई साहब भी बिल्कुल सादा आदमी है, हमारे साथ चल रहे हैं। दोस्तों दूध पी के आ गए हम गाड़ी में, अब अपना बिस्तर हम सीधा कर लें, कंबल को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ रात में थोड़े नॉर्मल ठंड तो है ही, इतनी ज्यादा ठंड नहीं है, लेकिन नॉर्मल ज़रा सी रात में ठंड लगने लगती है। तो आज का ब्लॉग हम करते हैं समाप्त, बेंगलोर से हम हैं 40 किलोमीटर पहले, और अब हम रात को उठ के चलना है हमें 2 बजे। तो अभी सोच रहे हैं कि टाइम से सो जाएं, टाइम तो क्या 10 के आसपास तो टाइम हो ही गया, नींद वैसे भी नहीं आती है जल्दी, लेकिन कोशिश करेंगे सो जाएं, 2-3 घंटे आराम कर लेंगे तो उधर रात में नो एंट्री पार करने में आराम हो जाएगा। तो चलो चलते हैं, और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और प्लीज़ एक बार एक आदमी को जरूर बोलेंगे मेरा वीडियो सब्सक्राइब प्लीज़ करें। तो चलें चलते हैं सोने, तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद जय भारत।